कि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी एक्टिंग आती है उन्होंने ही सिखाई थी, और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ, और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ, क्योंकि उनसे किसी ने कॉन्टैक्ट मांगा और उन्होंने दिया, और फिर ऐसे आगे आगे बात बढ़ी और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से, मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ। बट जब एक इंसान की पहले से एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, और वो फ़ैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभिषेक, आपकी और खानजादी की जोड़ी बाहर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही थी, बट आपकी मम्मी ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। रिश्ता अभी शादी थोड़ी करनी है, अभी तो मेरी देना है सारा कुछ। हाँ भाई, वो उधर मेरे क्या कहना, शादी थोड़ी करनी है, तो मम्मी को पसंद आए ना आए बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी अभी अभिषेक, जो भी इमोशनल आपके दिखे बिग बॉस के अंदर, क्या वो फेक थे? क्योंकि हमने देखा कि आपने गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला को सबको कॉपी करके आपने ये गेम खेला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगा, फेक था? ये हमारी बात पूछिए, आप अपनी बताइए, आप अपना बताइए, आप अपना ओपिनियन बताइए, जर्नलिस्ट लोगों का ओपिनियन नहीं होता, आप बताइए। पहली बार दे रहा हूँ इसलिए मैं पूछ सकता हूँ। मेरे को नहीं, नहीं, मैं बहुत रियल था, मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमेज, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मैं इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिजेंबल कर रहा था तो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके ही बताया कि ऐसा ही है, हाँ मैं ऐसा ही। अभी तो बाहर आए हूँ, अभी मुझे नहीं पता खत्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरी सक्सेस के आड़े आए, और मैं उसको ओवरकम करके आ जाऊँ। अभिषेक, इस बारे में आपसे बात, अभिषेक अभिषेक, ईशा ने आपके ऊपर काफी आरोप लगाए थे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने उनको मारा है घर के? जब टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता, वो बिग बॉस में खत्म हो गया। अभिषेक, तो आगे रिलेशनशिप रहेगा आपका? मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूँगा, खानदादी का फ्रेंडशिप नहीं। मुनावर भी मेरा दोस्त ही, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं है। अब मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बता दो। अभिषेक, आपने तो अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या होगा। अभिषेक, आपने मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया, बट मुझे सुनने में आया कि वो हीरो वाला हो गया, मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, बट पर वो अच्छी बात नहीं है मारना। अभिषेक, अभिषेक आपने मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोगों ने आपने बात की थी, आपके वो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन बहुत टफ सवाल नहीं, मैं बोला आपके मेंटल हेल्थ के बारे में। नहीं, वो नहीं पूछना मुझे मैं कहना कि आपने जो मेंटल हेल्थ के बारे में आपके बारे में जो बात की थी, ईशा बोल रही थी कि आपको इस तरह का कोई फोबिया है ही नहीं, आप ड्रामे, हाँ यस, ईशा ने आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मैं, मेरे फादर को क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए, और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर घूम घूम कहीं जाना हो तो। ये फैमिली फोबिया है, मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता। ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था, तो जय श्री राम करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया, मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, बट ठीक है, टॉप टू में आना भी चमत्कार। क्या जय श्री राम लीक हो गया? 105 दिन आपने घर में गुजारे, आपकी जजमेंट 105 दिन आपने घर में गुजारे,
लाइफ में ये जो मैंने जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मैंने 105 के 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा ख़त्म सा हो रहा हूँ बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा, मैं बहुत फोकस्ड था, लड़ता रहता था फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था वो कर रहा होता था, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्ड जो मेरा नेचर है उसमें ओवरकम करना। अभिषेक अभिषेक अयोध्या राम जी के दर्शन के लिए जाएगा आप अयोध्या? अरे आपने और को एक सवाल राम जी के दर्शन के लिए हारा है, इंडिया हार चुका है वर्ल्ड कप, बट यू आर द विनर, डिजर्विंग है, डिजर्व है अभिषेक। खतरों के खिलाड़ी मिल चुका है आपको? सब खबर आ रही है बाहर, इसीलिए भाई एक सवाल पूछ रहे आपको, एक सवाल पूछ रहे।